मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव गुरुवार देर रात को अचानक पूर्व सीएम कमलनाथ के बंगले में उनसे मिलने पहुंच गए। करीब एक घंटे तक दोनों ने बंद कमरे में चर्चा की। दोनों की इस मुलाकात को सौजन्य भेंट बताया जा रहा है। एमपी कांग्रेस ने भी कमलनाथ और मोहन यादव की फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की है और लिखा है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ जी से सौजन्य भेंट की। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में जीत के बाद बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लग गई है। बीजेपी लगातार लोकसभा की तैयारियों के लिए बैठकें भी कर रही है। वहीं कमलनाथ से मिलने से पहले मोहन यादव सीहोर में बीजेपी की बैठक में शामिल हुए थे। ये बैठक लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर हो रही थी। एमपी में लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं। पिछली बार बीजेपी को 28 सीटें हासिल हुई थी, वहीं कांग्रेस को एक सीट मिली थी। कमलनाथ का गढ़ माने जाने वाली छिंदवाड़ा सीट पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद बीजेपी छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर खासा जोर दे रही है। शिवराज सिंह चौहान भी मिशन 29 चला रहे हैं, जिसमें वो बीजेपी को लोकसभा में 29 सीटों पर जीत दिलाने का दावा कर रहे हैं। भोपाल से रवीश पाल सिंह की रिपोर्ट, एमपी तक।